हम बात कर रहे हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज़ की। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो 1% तक का अपसाइड इसमें हमको देखने के लिए मिला है, इसी के उसके ऊपर ही क्लोजिंग देखने के लिए मिली। और हम देख सकते हैं कि स्टॉक का ट्रेंड जो है 252 के लेवल से बदल चुका है। लगातार स्टॉक गिरावट में था, 280 के लेवल से हुआ था, 265 से 270 के बिटवीन, लेकिन उसको भी ब्रेक डाउन करके बड़ी गिरावट देखने मिली। 250 के ऊपर सपोर्ट लेके बाउंस बैक होते हुए देख चुके और अब इसमें पैटर्न हायर हाई बनते हुए नज़र आ रहा है और इस लेवल को भी 260 के लेवल को भी ब्रेकआउट दे चुका है। अब 260 का लेवल है इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा इसमें और अभी हमको अपसाइड नज़र आ सकते हैं। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। तो 260 का लेवल ही इमीडिएट सपोर्ट का काम करने वाला है और उसके नीचे अगर देखा जाए तो फिर इस लेवल से रिजेक्शन लिया है, 257 का लेवल ये सेकंड सपोर्ट रहेगा, 257 का लेवल। और अगर उसको ब्रेक डाउन कर गया तो 254 तक की गिरावट देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन लगता नहीं है कि इतनी बड़ी गिरावट देखने के लिए मिलेगी। अभी होल्ड करके चला जा सकता है। जैसे ही स्टॉक 265 के लेवल को ब्रेकआउट करेगा या दोबारा यहाँ हमको 270 से लेके 280 तक के टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं।